अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और मेरी वीडियोस एंजॉय कर रहे होंगे और मेरी वीडियो तसारफी कर रहे होंगे। तो मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़े की वीडियो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले जाइए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो जी, आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ एलोवेरा की ब्यूटी हैक्स, जो कि बहुत सारे हैं लेकिन उनमें से मैं कुछ आपसे शेयर करूँगी जो पर्सनली मैं ख़ुद यूज़ करती हूँ। और जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ आपके लिए, वो पहले मैं ख़ुद यूज़ करती हूँ, ख़ुद पे अप्लाई करती हूँ, उनका रिज़ल्ट देखती हूँ, देन मैं आपके लिए वीडियो बनाती हूँ ताकि आपको भी उनका कोई रिज़ल्ट मिल सके। तो यहाँ जी मैं बनाने जा रही हूँ एक फेस पैक जो कि आपकी स्किन में ग्लो करेगा और आपकी स्किन वाइटनिंग के लिए बहुत अच्छा है और आपकी स्किन को स्मूथ भी करेगा। तो इसके लिए मैंने एलोवेरा जेल ली है, उसमें हनी ऐड किया है और इन दोनों को ऐड करके आप अच्छे से मिक्स करें। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 to 4 ड्रॉप्स लेमन के और उसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे। लेमन में भी ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारी स्किन को वाइट करने में बहुत हेल्प करता है। इसको अब अच्छे से मिक्स कर लें। ये जी मिक्स कर लिया है। अब आपने हाथों में जो भी पहना है, रिंग्स, ज्वेलरी, कुछ भी पहनी है, उसको रिमूव कर लें ताकि वो ख़राब ना हो। तो ये मैं अपनी रिंग्स उतार रही हूँ और अब मैं इसे अपने हैंड्स पे अप्लाई करूँगी। ये आप ट्राई ज़रूर करें, इसका रिज़ल्ट इतना अच्छा है, इतनी सॉफ्ट स्मूथ स्किन हो जाती है कि आप खुद भी देखेंगे कि कितना अच्छा रिज़ल्ट है। अब मैं इसको अच्छे से अप्लाई कर लेती हूँ। ये जी अच्छे से मैंने अपने हाथों पे लगा लिया है, इसको अच्छे से मैंने क्लेंस किया है अपने हाथ पे, फिंगर्स पे अच्छे से इसको रब कर लिया है, इसका मसाज है। और ये देखिए अभी से इतनी ग्लो कर रही है। अभी मैं हैंड वॉश करूँगी और रिजल्ट। ये जी मैंने हाथ अपने धो लिए हैं और ये देखिए कितना अच्छा है, कितनी ग्लो कर रही है मेरी स्किन और कितनी वाइट हो रही है। सेकेंड हैक में जो फेस पैक मैं बनाने जा रही हूँ वो है जी स्किन टाइटनिंग के लिए, पिंपल्स रिमूव करने के लिए, और जिनको एक्नी और डार्क स्पॉट्स का इशू रहता है ये उनके लिए बहुत बेस्ट है, ये बहुत अच्छा है। तो इसको आपने डेली यूज़ करना है, ये आपके फेस को नीट करेगा, क्लीन करेगा, डार्क सर्कल्स, डार्क स्पॉट्स सब रिमूव करेगा। तो इस पैक को बनाने के लिए मुझे चाहिए बेसन और इसमें ऐड करूँगी मैं एलोवेरा जेल। इसे मिक्स कर लें और थोड़ा सा लेमन ऐड कर लें, 3 to 4 ड्रॉप्स ऐड कर लें। इसमें ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमारी स्किन को वाइट करता है। जिनको लेमन सूट नहीं करता वो इसको यूज़ ना करें। जब भी आप लेमन लगाते हैं और आपको चुभन होती है हल्की सी भी, तो उसको रिमूव कर दें क्योंकि वो आपकी स्किन के लिए अच्छा नहीं है। ये जी फेस पैक हमारा तैयार हो गया है। अब मैं इसको अप्लाई करूँगी अपने हैंड्स पर। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात आ जाती है कि जब आप अपने हैंड्स पे अप्लाई करें तो इसको हार्डली रब कर सकते हैं, लेकिन आप अपने फेस पे लगा रहे हैं तो उसे आप हार्डली ना करें क्योंकि फेस की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, तो इससे कोई बैड इफ़ेक्ट ना हो। इस तरह से लगा लें कि आपके में अच्छे से लग जाए। वीडियो देखने के साथ मेरी वीडियो को लाइक भी करें। मैं आपके इतनी होम रेमेडीज लेती हूँ जो बजट फ्रेंडली होती हैं और आप इजीली घर में बना सकते हैं। तो एक लाइक करने से क्या हो जाता है, मुझे ये लाइक करने के पैसे नहीं मिलते, आपका प्यार मिलता है और आपके प्यार से मुझे मोटिवेशन मिलती है और मेरा दिल करता है मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियोज़ बना के लाऊँ। ये देखें जी अच्छे से लग गया है और अब मैं वॉश करके आती हूँ और फिर दिखाती हूँ इसका रिज़ल्ट।
हैक नंबर 3 में जो हम फेस पैक बनाने जा रहे हैं वो है जी स्पेशली डार्क स्पॉट्स, सन टैन और पिगमेंटेशंस के लिए। आपके फेस पे जो छोटे छोटे दाग बन जाते हैं ये उनको रिमूव करता है और ये बहुत अच्छा है। और अगर आप एक हफ्ते में एक बार टूथपेस्ट के साथ फेस भी वॉश कर लेते हैं फेस, तो उससे भी आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। तो इसके लिए मैंने ली सी टूथपेस्ट, इसमें मैं ऐड करूंगी टर्मरिक पाउडर। हल्दी बोलते हैं इसे। इसके अलावा हम एलोवेरा जेल ऐड करेंगे। इसको अब अच्छे से मिक्स कर लें। ये आपका पैक तैयार है। अब इसको अप्लाई कर लें अपने फेस पे, हैंड्स पे, जहाँ पे भी आपने अप्लाई करना है। इसको लगाने के बाद कोई ज़्यादा मसाज नहीं करना, बस इसको अपने हैंड पे लगा लें, फेस पे लगा लें और थोड़ी देर बाद इसको वॉश कर लें। ये जी अब मैंने इसको लगा लिया है। अब मैं इसको वॉश करके आती हूँ, फिर दिखाती हूँ। मैंने अपने हैंड्स वॉश कर लिए हैं और जी ये रिज़ल्ट आपके सामने है। मेरे हाथ बहुत सॉफ्ट और वाइट और ग्लो कर रहे हैं। पैक नंबर 4 में जो मैं बनाने जा रही हूँ वो सबको बहुत पसंद आने वाला है और वो है जी मेकअप रिमूवर। आजकल मार्केट्स में काफ़ी मेकअप रिमूवर अवेलेबल हैं लेकिन उनके प्राइस इतने ज़्यादा हैं कि अफोर्ड नहीं कर सकते। इसको बनाने के लिए जी मैंने एलोवेरा जेल ली है। एलोवेरा जेल आपकी तमाम मेकअप प्रोडक्ट्स में यूज़ होती है, चाहे वो आपका साबुन है, फेस वॉश, शैम्पू, मेकअप किट, लिपस्टिक, सब में ये ऐड होता है। अब जी इसमें मैंने ऐड करना है ग्लिसरीन। ये भी स्किन को बहुत सॉफ्ट करती है, सॉफ्ट स्मूथ हो जाती है स्किन इससे। इसके बाद जी हम यूज़ करेंगे कोकोनट ऑयल। ये भी एक बहुत अच्छा मेकअप रिमूवर है। अगर आप पास कुछ सिर्फ भी मेकअप रिमूव कर सकते हैं लेकिन जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ अगर आप वो यूज़ करते हैं तो आपका मेकअप और भी ज़्यादा अच्छे से रिमूव हो जाएगा। ये जी कोकोनट ऑयल भी मैंने ऐड कर लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे हनी। इसके भी 3-4 ड्रॉप डाल लें इसमें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। ये देखें जी कितना अच्छा हमारा मेकअप रिमूवर तैयार हो गया है। अब हम इसे मेकअप रिमूव करेंगे, अप्लाई कर लें अपने हैंड्स पे, फेस पे, जहाँ पे भी आपने अप्लाई करना है। और इसका रिज़ल्ट मैं आपको अभी दिखाऊंगी। अब जी किसी भी कॉटन से इसको रिमूव कर लें। ये देखें जी ये जो आपको येलो कलर नज़र आ रहा है ये इससे पहले जो मैंने आपको रेमेडी बताई है मैंने इसमें हल्दी यूज़ की थी तो उसका जो थोड़ा बहुत येलो कलर रह गया है वो इस रिमूवर ने बिल्कुल रिमूव कर दिया है। तो ये है जी इसका रिज़ल्ट। देखिए मेरे हैंड्स कितने क्लियर हो गए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।